हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लोग चलो आ जाओ आप लोग, जब तक लोग वेट कर लेते हैं। प्रियांशी, जय हिंद। जय हिंद बेटा। जय हिंद प्रियांशी बेटा। तो कल हमने पढ़ा था लेवर, ठीक है? कल पढ़ा था हमने लेवर और पढ़ा था गॉल ब्लैडर, ठीक है? गॉल ब्लैडर और लीवर कल हमने पढ़ा था। जय हिंद स्नेहा। जय हिंद बेटा। आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल का। पहले तो जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जय हिंद स्नेहा परमार एंड इच्छिता परमार। जय हिंद मृणाल सहर। चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मतलब ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होने से कौन सी प्रोटीन रोकती है? बताओ, उस प्रोटीन का नाम बताओ। कौन सी प्रोटीन रोकती है? विच प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है? तो इसका बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी आंसर दो। प्रोटीन का नाम है हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। अंकित कुमार धौलपुर से हो, बहुत बढ़िया बेटा। वेरी वेल, वेरी 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 वेलकम आपका, ठीक है? मोस्ट वेलकम, है ना? तो ये एक प्रोटीन होती है हेपेरिन, जो कि ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, ठीक है? ब्लड के अंदर क्लॉट होने से रोकती है हेपेरिन, ठीक है? कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है? नेम ऑफ द प्रोटीन विच, ठीक है? बताओ, नाम बताओ उस प्रोटीन का। क्या नाम है? फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? फाइब्री नोजन, ठीक है? तो ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है? किसी पर्सन की डेथ हुई है पॉइजन से, तो पॉइजन किस ऑर्गन में मिलेगा? बताओ, किसी पेशेंट की डेथ हुई है पॉइजन खाने, जहर खाने से, तो पॉइजन किस ऑर्गन में मिलेगा? कहाँ ढूंढेगा डॉक्टर पॉइजन को? पोस्टमार्टम में कहाँ मिलेगा पॉइजन? लिवर में मिलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पॉइजन कहाँ मिलेगा? लिवर में, ठीक है?
गॉल ब्लैडर हो गया था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। जॉइंटिस्ट क्यों होता है बताओ, जॉन्डिस क्यों होता है, जवाब दो क्यों होता है जॉन्डिस। जो गॉल ब्लैडर की जो बाइल डक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इससे बिलीरुबिन ब्लड के साथ बॉडी के अदर पार्ट में चला जाता है, इससे जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज हम पहले भी इसके बारे में सुन चुके हैं लेकिन पढ़ा नहीं है, पढ़ हम पहली बार रहे हैं, सुन हम पहले भी चुके हैं, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस आता है ड्यूडेनियम में, आपको आपको बताया था, ठीक है। तो पहले भी हम इसके बारे में सुन चुके हैं, तो सुनी सुनाई बात को हम थोड़ा सा और अच्छे से पक्का कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, पहली कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है बताओ, लार्जेस्ट ग्लैंड बताओ, लार्जेस्ट है लिवर कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड का फंक्शन रोल प्ले करती है, ठीक है। दोनों टाइप के ग्लैंड का रोल प्ले करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है पैंक्रियास से, इसमें 9.8% वाटर होता है, बाकी सॉयल होते हैं, 98% होना चाहिए मेरे हिसाब से, 9.8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम होते हैं, ठीक है। एल्कलाइन लिक्विड होता है, पीएच 7.5 से 8.3 के बीच होता है, और जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन को पचाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। पैंक्रियाज इज द कंप्लीट, पैंक्रियाज वाला जूस होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है, और डाइजेशन में कंप्लीट हेल्प करता है, ठीक है। कौन? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं कौन मुझे बताएगा? 5 सेकंड का वेट करता हूं, बताओ पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई है? पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई है इतना महान इस क्लास में जो मुझे बताए कि पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद ये मृणाल सहरी है जिसने बता दिया, अग्नाशय बोलते हैं। बहुत बढ़िया, अग्नाशय बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ये कौन बच्चा है जो मतलब गुड मॉर्निंग कर रहा है मुझे गुड इवनिंग में? अभी अभी अगर आप सो के जगे हो तो बाहर का मौसम गुड मॉर्निंग जैसा है मान के चलो, लेकिन अभी मॉर्निंग नहीं है, ठीक है, इवनिंग हो गई है अभी। चलो तो जो पैंक्रियाज, अब देखो पैंक्रियाज पे आइलैंड्स होते हैं दो, ठीक है, पैंक्रियाज के ऊपर आइलैंड होते हैं जिनको बोलते हैं आइलैंड ऑफ लैंगर हैंस। क्या बोलते हैं? आइलैंड्स ऑफ लैंगर हैंस या आइलैंड ऑफ लैंगर, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे ये बड़ा सा पैंक्रियाज है, तो कुछ जगह होती है इसमें, जगह, ठीक, कुछ जगह है, मतलब जगह है, इसको बोलेंगे, ऐसी कुछ जगह है उसको बोलेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। लैंगर हैंस एक साइंटिस्ट था, उसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ठीक है। ये पार्ट होता है लैंगर हैंस जो मेडिकल साइंटिस्ट ने खोजा था, इसकी बीटा सेल और इसकी अल्फा सेल, ठीक है, इस पे सेल होती है, अल्फा सेल होती है, इस पे कई टाइप की सेल होती है, मतलब ये हो गया आपका लेगर हैम्स आइलेट्स हो गए, इस पे ये सेल, ये वाली सेल मान लो बीटा सेल है, ये वाली सेल मान लो अल्फा सेल है, ये वाली सेल मान लो डेल्टा सेल है, ठीक है। ये डेल्टा ऐसे बना, एट बना दिया, डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है, ये एट कंप्लीट नहीं बन पा रहे, डेल्टा हो गए, ठीक है।
तो ये मान लो अल्फा सेल है, ये मान लो बीटा सेल है, ये मान लो डेल्टा सेल, ये सेल इनका इनको नाम दिए गए हैं। अब इन सेल के फंक्शन सुनो क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, 12th क्लास के बाद भी काम आएंगे, नीट वगैरह में भी काम आते हैं, जो आपके भाई बहन नीट की तैयारी कर रहे हैं ना उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन किस सेल से निकलता है या ग्लूकागन किस सेल से निकलता है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा सेल से हार्मोन निकलता है, इसका नाम है ग्लूकागॉन, क्या है, ग्लूका गॉन मतलब ग्लूका चला गया, ठीक है, ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूका चला गया, ग्लूकागॉन, ठीक है। और बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, ये वही इंसुलिन है, ये वही इंसुलिन है जिसकी कमी से डायबिटीज नाम की बीमारी होती है, ठीक है। इंसुलिन अगर नहीं निकलता है, बीटा सेल किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है, और इसी इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन लैक ऑफ बीटा सेल्स, ठीक है, इसी इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है डायबिटीज, क्या नाम है उस बीमारी का, डायबिटीज। तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और एक बची डेल्टा सेल, कौन सी सेल, डेल्टा सेल, डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, कौन निकलता है, सोमेटो स्टेटिन, ये हार्मोन निकलते हैं पैंक्रियास से, ठीक है। तो पैंक्रियास से निकलने वाले तीन हार्मोन और उनके साइट के नाम बताओ, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन कभी कभी आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ऑप्शन नंबर वन लिवर, ऑप्शन नंबर टू गॉल ब्लैडर, ऑप्शन नंबर थ्री किडनी, ऑप्शन नंबर फोर पैंक्रियाज। लेकिन हमने तो पढ़ा है बीटा सेल, हमने तो पढ़ा है बीटा सेल, हमने तो पढ़ा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये पैंक्रियाज कहाँ से आ गया, ठीक है। सब लोग सर को बोलेंगे सर ने गलत पढ़ाया है, सर ने झूठा झूठा पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये जो पेंक्रियास के ही पार्ट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज द पार्ट ऑफ पेंक्रियास, ठीक है, बीटा सेल इज द पार्ट ऑफ आइलेट्स एंड लैंगरहैंस एंड पेंक्रियास बोथ, ठीक है। तो ये इसी के पार्ट है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। अगर ऑर्गन की बात करते हैं तो पेंक्रियास से निकलता है, पेंक्रियास में किस जगह से निकलता है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें भी तीन सेल होती है, किस सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से, ठीक है। इंसुलिन बहुत फेमस है, ठीक है, फेवरेट भी है एग्जामिनर का, और एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ये निकलता है सेम सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, तीन हार्मोन हो गए। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंसुलिन की, इंसुलिन की हम लोग बात करते हैं, इंसुलिन की बात हम लोग करते हैं। यहाँ एक वर्ड दिया है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, आप ये भी समझ लो कि जिन ग्लैंड से केवल हार्मोन निकलते हैं वो हो गई आपकी एंडोक्राइन, और जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं तो वो हो गई आपकी एक्सोक्राइन, ठीक है। तो ये देख लेना इसको, ये दोनों टाइप के ग्रंथ का काम करती है, पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की बात कर रहे थे हम लोग, इंसुलिन की बात कर रहे थे, अब इंसुलिन के काम क्या होते हैं हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इट्स सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। तो भाई पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से निकलता है, ठीक है, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ग्वालियर के डीडी नगर, ऐसा ये बात हो गई है तो, ठीक है, कौन सी बात हो गई, एमपी का ग्वालियर और ग्वालियर का डीडी नगर, ऐसे ही पैंक्रियाज का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और उसकी बीटा सेल, उससे निकलता है ये हार्मोन, ठीक
क्या नाम है इसका? इंसुलिन। इसको वेंटिंग बेट्स ने खोजा था 1921 में, ठीक है। और ये ग्लूकागोन जो ग्लूकोज बनाता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को कंट्रोल करके लीवर के पास भेज देता है, ये काम ये करता है, ठीक है। ग्लूकागोन, ग्लूकोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। ग्लूकागोन इसका छोटा भाई है, लेकिन जो ये काम करता है उसके उल्टा काम करता है ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन ग्लूकोज को बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, ग्लूकागोन बढ़ाता है, इंसुलिन कम करता है। क्या क्या बढ़ाता है, क्या कम करता है? ग्लूकोज। कहां पर? ब्लड में, खून में, पूरी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है, ठीक है। हमारा दिल धड़क रहा है, वो क्यों धड़क रहा है? वो मतलब ब्लड को पंप कर रहा है, वो खून को पंप कर रहा है, इससे पूरी बॉडी में एक बार घूम के लौट के हार्ट में आ जाए, ठीक है। जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा पूरा। अभी आप मोटा मोटी एक बात समझ लो कि हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ब्लड पूरी बॉडी में घूम के फिर हार्ट में आ गया, ठीक है। तो ये ब्लड जो घूम रहा है उसमें सब कुछ है, उसमें ग्लूकोज है, उसमें और भी सारे मतलब केमिकल्स मटेरियल्स हैं, ठीक है। उसमें RBCW भी परमानेंट तौर पर रहते ही हैं, प्लेटलेट्स भी रहती हैं परमानेंट तौर पर, ठीक है। तो ये सब है ब्लड में, ठीक है। ऐसे ही अब ब्लड में बढ़ गया ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को काम कम करने का काम कौन करेगा? ग्लूका नहीं, इंसुलिन। और ग्लूकोज बढ़ाने का काम कौन करेगा? ग्लूका गॉन, ठीक है। हार्ट कैसे पंप होता है, थोड़ा धैर्य रखें, क्लास को ज्वाइन करे रखें, ठीक है। दो ही काम करना है आपको, एक तो पेशेंस रखना है आपको, दूसरा आपको ज्वाइन करना है क्लास को, डेली पढ़ना है आपको क्लास को, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन हार्ट आ जाएगा और उस हार्ट को हम पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इंसुलिन की बात कर रहे थे हम। इंसुलिन सिक्रेट बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगेट व्हिच इज द पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। डिस्कवर की थी इसकी वेंटिंग वेस्ट ने, ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज को। और डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है डेफिशिएंसी से, अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो। कौन सी बीमारी है? डायबिटीज नाम की बीमारी। अब ये बताओ कि बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, ठीक है। कॉन्टाजीनियस है कि नॉन कॉन्टाजीनियस है, बताओ। संक्रामक है, संक्रामक है कि असंक्रामक है, बताओ। आंसर दो जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बलवान और वीर महापुरुष इस क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितनी वीरांगनाएं और वीर पढ़ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई कितनी, और कितनी तात्या टोपे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पढ़ रहे हैं, जवाब दो सब। ठीक है, आई थिंक जवाब नहीं आया, ठीक है। इसमें ऐसे कोई भी क्रांतिकारी नहीं है इस क्लास में। अच्छा, नहीं, नहीं फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि ये पैथोजन से नहीं होती है। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि ये पैथोजन से नहीं होती है। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनसे होने वाली बीमारियां फैलती हैं, वेक्टर होते हैं। डायबिटीज हुआ, विटामिन मिनरल्स से होने वाली बीमारी हुई, ठीक है। जैसे मान लो नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ब्लड क्लॉटिंग की कमी, इम्पोर्टेंसी, ये बीमारियां नहीं फैलती है। ऐसे ही मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियां, जैसे कि कौन सी, जैसे कि एनीमिया, जैसे कि गोइटर, आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया, आयरन की कमी से होता है, ये भी नहीं फैलेगा। ऐसे ही डायबिटीज भी नहीं फैलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैथोजन नहीं होता है। ये तो
कमी से हो गई, इंसुलिन की कमी से हो गई ये तो। चलो अगर इंसुलिन ज्यादा है बॉडी में, ऐसा हो गया कि तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। आप एक चीज समझो, आपको मैं छोटी छोटी मगर मोटी बात, हाइपो और हाइपर का मतलब बताता हूँ मैं आपको। हाइपो और हाइपर, हाइपरमान होता है कम होना और हाइपरमान होता है बढ़ना, ठीक है। हाइपो माने ये हमारी गलती से होती क्योंकि हम ज्यादा मीठा खाते हैं। देखो क्या होता है, मीठा उसमें फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर है खाली पेट रहना, ठीक है। दूसरा फैक्टर है एक्सरसाइज ना करना, ठीक है। और तीसरा फैक्टर है उल्टा सीधा बाहर का खाना, जंक फूड खाना, जंक फूड, ठीक है। पिज्जा खाना, खूब चाव से बर्गर खाना, सड़ी हुई पेटीज खा ली, ठीक है। तो ये जिन सब चीजों से होती है डायबिटीज मोस्टली, ठीक है। उल्टा सीधा खाने से, हरी सब्जियां ना खाना, दूध ना पीना, ठीक है, तो इन सब चीजों से होती है, ठीक है। मीठा तो है फैक्टर, उसके अलावा ये कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलो, हाइपो माने होता है कम होना और हाइपर माने होता है ज्यादा होना। अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो मतलब हाइपो मतलब ग्लूकोज हो जाएगा कम, ठीक है। अगर ग्लूकोज कम होगा तो चक्कर आएंगे, दिखेगा नहीं और बेहोश हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकागोन की। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ग्लूका चला गया, ठीक है। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास 150 ग्लूकोज आए टोटल में, आपने 100 खर्च कर दिए, आप बचे 50, अब कितने बचे 50, 50 बचे, तो 50 वाले कन्वर्ट किस में होंगे, ग्लाइकोजन में। कहाँ पे, लीवर में। लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। थोड़ी इसमें ये किया जाता है। इसका काम कौन करता है, इसके पीछे, इसके पीछे का हीरो है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन इसके पीछे का हीरो है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, कौन, ये हीरो ग्लूकागोन, ठीक है। और ग्लूकागोन का ही भाई जो बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है, जब ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में, जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोज को कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन, इसका भाई है ग्लूकागोन का, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, किस किस को समझ में नहीं आया कि मैं दोबारा पढ़ाऊं, बताओ जल्दी जल्दी बोलो कमेंट में। वॉइस कम आ रही है, आएगी बॉस, वॉइस तो आएगी, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। तो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागोन ग्लूकोज को बढ़ाता है, ठीक है। ग्लूकोज अगर ज्यादा, इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मतलब ग्लूकोज कम हो जाता है, चक्कर वक्कर आते हैं। ऐसी कंडीशन में कुछ ना करो, उसके उसके मुंह में शक्कर डाल दो, ठीक है, शक्कर से चक्कर चले जाएंगे, ठीक है, शक्कर से चक्कर चले जाएंगे। ये समझ में नहीं आया है ना, सर प्लीज स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। बेटा ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तो कैसे स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, नेक्स्ट चैप्टर बेटा कैसे स्टार्ट हो जाएगा जब ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है। कल अपन छोटा सा एक टेस्ट लेंगे, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं बेटा, आरएमएस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
जिन लोगों को RSMS धौलपुर या कहीं जाना है तो उनमें क्वेश्चन आते हैं। भैया थोड़ा सा रह गया है, ग्लूकागॉन रह गया है, इसके बाद ये नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखो आप, सर्कुलेटरी सिस्टम चालू हो जाएगा, ब्लड का सिस्टम चालू हो जाएगा कि कैसे काम करता है ब्लड, ठीक है। ये कौन रह गया है, ग्लूकागॉन, आज ही चालू हो जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं रहा अब, ठीक है। ग्लाइकोजन हो गया, अब है सोमेटो स्टेटिन। सोमेटो स्टेटिन क्या काम करता है, ये फूड का एसिमिलेशन करता है। क्या करता है, फूड का एसिमिलेशन, ठीक है। TP3 में भी टेस्ट होगा बेटा, सही बोला, बिल्कुल जिसने बोला सही बोला। एसिमिलेशन क्या होता है बताओ, मैंने आपको बताया था, बताओ क्या होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बताओ, जो भी ग्लूकोज आया है एब्जॉर्प्शन के बाद, फूड आया है, उसको खर्च करना, किसको कितना एनर्जी देना है, ये होता है एसिमिलेशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मोस्ट फेवरेट टॉपिक की, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट। हार्ट पढ़ेंगे अपन, हार्ट बताया ना, धैर्य रखो आप लोग, पेशेंस रखो, अगर रखने के लिए कुछ ना हो तो कम से कम पेशेंस तो रख ही सकते हो आप, है ना, तो पेशेंस रखो। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका ब्लड कैसे काम करता है, ठीक है, आपका ब्लड कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसे काम करता है ब्लड भाई, उससे पहले कि ये, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेशन की विलियम हार्वे नाम का एक साइंटिस्ट था, 1628 में, 1628 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है, विलियम हार्वे नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। अब हार्ट है, अब ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम, इसके चार पार्ट होते हैं, हार्ट हो गया, आर्टरी हो गया, वेन हो गया और ब्लड हो गया, ठीक है। आर्टरी वेन में आपको समझाता हूँ, ब्लड से तो आप परिचित होंगे ही, ब्लड माने खून, खून होता है ब्लड माने, ठीक है, खून, ठीक है। हार्ट माने हो गया आपका दिल, दिल, ठीक है, और आर्टरी वेन होती हैं जो खून के पाइप्स होते हैं, जो जो मतलब ब्लड को लाता है ले जाता है, उसको बोलते हैं आर्टरी और वेन, तो यही हम पढ़ेंगे, क्या होता है आर्टरी, क्या होती है वेन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बारी आती है हार्ट की, दिल की बारी आती है, दिल क्या होता है, हार्ट, इस हार्ट कुछ 300 ग्राम का होता है, ज्यादा वेट नहीं होता हार्ट का, केवल 300 ग्राम का होता है दिल, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 300 ग्राम का होता है, ठीक है। सर ट्यूबरक्लोसिस कब कराओगे, मैंने पढ़ा दिया था, ट्यूबरक्लोसिस आगे जब आएगा तब पढ़ा देंगे, ठीक है बेटा, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो हार्ट कितना वजन होता है हार्ट का, कमेंट करके बताओ, हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम्स, ठीक है, 300 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, एक मतलब इसके चारों तरफ एक खोल होता है, मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ इसको ढक के रखती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब जो कार्डी वर्ड है ना, कार्डी, CARD, ये वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से। अब बोलेंगे कि हार्ट की स्टडी करने वाला डॉक्टर क्या कहलाएगा, जो जो डॉक्टर हार्ट के पेशेंट का इलाज करता है वो क्या कहलाएगा, तो उसका नाम है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो लॉजिस्ट। हार्ट डिजीज, हृदय रोगों की बीमारी किस विज्ञान में पढ़ी जाती है, तो वो कार्डियोलॉजी, कार्डियो
लो जी, तो जो कार्डियो बर्ड है वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से, ठीक है, कार्डियो बर्ड हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कौन को, कितना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है ना, ऐसा बताते हैं, वो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो वो कार्डियो माने हो गया हार्ट, हार्ट के डॉक्टर है वो, ठीक है। तो हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है बताओ कमेंट करके। हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, हार्ट के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, जिसमें हार्ट पैक रहता है, जो उसके चारों तरफ रेफर होता है, पैकिंग होती है, उस पैकिंग का नाम बताओ। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, क्या नाम उसका? पेरी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये हार्ट है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरी कार्डियल मेम्ब्रेन, पेरी कार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सुनो, हार्ट के होते हैं चार चैम्बर। कैसे होते हैं चार चैम्बर? अभी अपन हार्ट को खोल के देखेंगे, ठीक है, हार्ट को खोल के देखेंगे। सुनो, मान लो हार्ट ये है आपका, ये हार्ट है, ठीक है, ये चैम्बर हो गए इसके चार, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये चार चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। फोर चैम्बर होते हैं, ठीक है, ओरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है। राइट और लेफ्ट ऐसे होते हैं, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ओरिकल, ठीक है, जो आगे की तरफ होते हैं वो ओरिकल होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ होते हैं ओरिकल, नीचे तरफ होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। जैसे मान लो ये आप एस टाइप से बनाओ, आप ऐसे बना दो आप, ठीक है, ये बना दिया पूरा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले हो गए ओरिकल, ऊपर वाले हो गए ओरिकल, ये हो गया राइट, हो गया ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हो गए चैम्बर हार्ट के, ठीक है। हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, ओरिकल और वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम, 300 ग्राम का होता है हार्ट, ठीक है, ठीक है, 300 ग्राम का होता है। चार चैम्बर होते हैं, चैम्बरों के नाम मैंने आपको बता दिए। ये हार्ट नहीं है, लेकिन एक तरीके से आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है। अभी डायग्राम बनाने में थोड़ा सा इशू आएगा, आगे हम लोग समझेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। चलो अब भाई, अब थोड़ा याद करने वाली बात ये है, ये रहा हार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा हार्ट है, सबको दिख रहा है। अब ढूंढो उसमें ओरिकल वेंट्रिकल, मैं सिंपल समझा रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, अब समझो। देखो, ये हो गया तुम्हारा ओरिकल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ओरिकल, ये नीचे वाला वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया राइट और ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, ओरिकल को ऑट्रियम बोल सकते हैं, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनो, जब हम सामने देख रहे हैं तो एक चीज सोचने वाली है, हमारा राइट तो ये है, सामने है देख रहे हैं तो हमारा ये क्या है? राइट है, ठीक है, लेकिन हम सामने वाले इंसान का देख रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाले इंसान का ये लेफ्ट है, जो हमारा राइट होता है वो सामने वाले इंसान का लेफ्ट होता है, ठीक है, इसीलिए लेफ्ट ओरिकल है। आ रहा है मैं आपको, सामने वाले इंसान का देख रहे हैं तो उसका ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये वाला उसका राइट है, ये राइट है उसका, ये लेफ्ट है ना, हमारा ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। अब सुनो, ओरिकल, अब ओरिकल को सुनो, ओरिकल क्या होते हैं? ये बीच में चैम्बर होते, कुछ बाल्ब होते हैं, बाल्ब, ये बाल्ब है, बाल्ब, ये क्या है? बाल्ब है, देखो ध्यान, देखो बाल्ब, ये है बाल्ब, क्या है ये?
वॉल्व, ये बाल्ब है। तो ये है क्या नाम, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब क्वेश्चन आता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व वॉल्व है ये किस किसके बीच होता है? तो ये होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और ये इस साइड वाला जो वाल्व है ये होगा बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। याद कर लें थोड़ा इसको, या इसको मिट्राल वॉल्व भी बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे याद कर लो, बाइकस्पिड नाम से याद कर लो इसको। बाय माने होता है दो, ठीक है। तो इसमें होते हैं दो, और इस ट्राई माने होता है तीन, तो इसमें होते हैं तीन, ठीक है। आप सुनो, ऊपर देखो, देखो बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड। राइट में होते हैं तीन कस्पिड वाला वॉल्व, और ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाला, बायकस्पिड, ठीक है। ट्राइकस्पिड, बायकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बाय, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो याद कर लेना, ये याद कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना आप इसको, ठीक है। आप इसको लिख लिख कर याद कर लेना। कैसे याद करोगे लिख लिख कर? कि क्वेश्चन आता है बिटवीन द राइट, क्वेश्चन आता है कि राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? तो ट्राइकस्पिड होगा, ठीक है। और लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व होगा? तो वो बाइकस्पिड होगा, ठीक है। चलो, आ गया समझ में, ये वॉल्व समझ में आ गया, कौन सा वॉल्व कहाँ होगा, कौन सा वॉल्व कहाँ होगा, ओरिकल कहाँ होगा, वेंट्रिकल कहाँ होगा, समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? ओरिकल कहाँ होगा, वेंट्रिकल कहाँ होगा, समझ में आ गया? इस आर्ट को ध्यान से देखो आप लोग, इससे बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली हैं। इस आर्ट को आप ध्यान से देखो, इससे बहुत सी चीजें आपको समझ में आने वाली है, केवल डायग्राम देख के। बायोलॉजी की एक खासियत ये है कि आप केवल डायग्राम देख के बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, केवल डायग्राम देख के बायोलॉजी बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कैसे पढ़ सकते हो? ध्यान से देखो, एक आपको नीले कलर का दिख रहा है, एक आपको रेड कलर का दिख रहा है, ब्लू और रेड दिख रहा है, ठीक है। इनके बारे में आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ब्लू और रेड के बारे में आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आप देख लो कि कहाँ कहाँ ब्लू है, कहाँ कहाँ रेड है, कहाँ कहाँ ब्लू है और कहाँ कहाँ रेड है, आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। फिर मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो भाई ये ब्लू है, ठीक है, ये आर्टरी है। ब्लू क्या होती है? आर्टरी। बताया था मैंने आपको, चार चीज होती है, हार्ट, आर्टरीज, वेन और ब्लड, ये चार चीजों से मिलकर बना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी, वेन, ब्लड और हार्ट, ठीक है। तो हार्ट तो अपन ने पढ़ लिया, अब आर्टरी, आर्टरी मतलब पाइप हो गए, ये आर्टरी पाइप हो गए, आर्टरी क्या है? पाइप है, और वेन भी पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, ये हो गए पाइप, समझ लो आप इनको, ठीक है। आर्टरी भी पाइप है और वेन भी पाइप है। अब इन पाइपों में क्या डिफरेंस है वो देखो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ओरिकल वेंट्रिकल समझाया था मैंने आपको, ओरिकल ऊपर वाले ओरिकल हो गए, नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। जो राइट साइड है वो राइट ओरिकल हो गया, जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट ओरिकल हो गया, और जो नीचे है वो वेंट्रिकल हो गया। राइट साइड और नीचे है वो राइट वेंट्रिकल हो गया, और लेफ्ट साइड और नीचे है वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि वेन क्या होती है और आर्टरी क्या होती है।
तो भाई ये आर्टरी है, इसको देखो ये आर्टरी है, ये जो ब्लू कलर की है ये आर्टरी है, और जो रेड कलर की है वेन है, ठीक है। रेड कलर की है वो क्या है, वेन। देखो जहां जहां रेड है वो वेन है, और जो ये है वो आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी और वेन, ठीक है। अब आप समझो, अपन चलते हैं थोड़ा इसको अच्छे समझने में, ठीक है। ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, कहां से, बॉडी से कहां की तरफ, हार्ट की तरफ, बॉडी से, ये है हार्ट और ये है पूरी बॉडी, बॉडी से हार्ट की तरफ जो जो मतलब ब्लड लेके जाए वो है वेन, वो क्या है, वेन है, वो वेन, वो वेन है, वो क्या है, वेन है, मतलब ये बॉडी से, पूरी बॉडी से, कहीं से भी, हाथ से, पैर से, किडनी से, लीवर से, आंखों से, कानों से और मुंह से, ठीक है। तो जहां से भी ये मतलब बोल लेके जाए जाए ब्लड को, बॉडी केवल हार्ट की तरफ ले जाना, हार्ट में जाकर ब्लड को छोड़ देना है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, वेन हो गई, वो क्या हो गई, वेन, वेन हो गई, वेन। अब बात करते हैं आर्टरी, इसका उल्टा है, आर्टरी क्या है, इसका उल्टा है, क्या है आर्टरी, आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं, चलो बस छोटी छोटी मगर मोटी बात है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा कर लेंगे आप, ठीक है। ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, और जो हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाए, सुनो ये हो गई हार्ट, ये हो गया बॉडी, बॉडी से हार्ट कौन ले जा रहा है, वेन, और हार्ट से बॉडी कौन ले जा रहा है, आर्टरी, समझ में आ गया। आर्टरी वो है जो हार्ट यानी कि दिल से पूरे बॉडी में, हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, पंप किया उसने पूरी बॉडी में चला गया, तो वो किसके थ्रू गया, आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और पूरी बॉडी से ब्लड जो आया वो किसके थ्रू आया, वेन के थ्रू आया। तो समझ में आ गया आपको आर्टरी और वेन की, नहीं समझ में आया, बोलो जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कि समझ में आया आपको कि नहीं आया, कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है, समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सा फंडा है, अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। ये हार्ट हो गया, ये बॉडी हो गई, ये एरो, एरो इस तरफ है तो ये वेन हो गई, एरो इस तरफ है तो ये आर्टरी हो गई, ठीक है। नहीं समझ में आया, लड़का बोल रहा है नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझ में आएगा अभी, ठीक है, समझ में आएगा, थोड़ा 2 मिनट मुझे आप दीजिए, एक डायग्राम देख लूँ अच्छा था, उसे समझ में आएगा आपको। ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, इसकी बनी है, ठीक है। अब ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है, देखो सबको दिख रहा होगा ये हार्ट है, ये दिल है, दिल, दिल, फिर भी दिल है, हिंदुस्तानी, ये हमारा हिंदुस्तानी वाला दिल है, ठीक है भाइयों, देवियों, सज्जनों, समझो ये दिल है, ये है दिल, ये दिल, ये दिल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये दिल हो गया, ठीक है। अब ये दिल, दिल का मेन जो फंक्शन है, काम है, वो होता है कि खून को पंप करना, खून जैसे इसमें आया, जैसे ये दिल है, ये इसके चार चैम्बर हैं, ये चार चैम्बर हैं, ठीक है, चार इसके चैम्बर हैं। तो जैसे ही इसमें खून आया, खून इसमें भरा, इसको पंप करके बॉडी में भेज देना, ठीक है, पंप करके इसको बॉडी में भेज देना, मतलब ब्लड इसमें आता है, इससे बॉडी में जाता है, इसमें आता है, इससे पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है, बॉडी के सारे पार्ट में जाता है, ब्लड के जिस जिस बॉडी के जिस जिस पार्ट तक ब्लड पहुंचेगा ना, वही पार्ट जिंदा रहेगा, अगर वहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो वो पार्ट धीरे धीरे खराब होने लगेगा, और उसको काट के अलग करना पड़ेगा, ठीक है, उसको काट के अलग करना पड़ेगा, नहीं इन्फेक्शन फैल जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो हार्ट के अंदर ब्लड आया, हार्ट ने पंप कर दिया, ठीक है।
तो लाने ले जाने के लिए कौन काम करता है? पाइप। कौन काम करेगा ब्लड को लाने ले जाने के लिए? पाइप। पाइप होते हैं दो टाइप के, एक होता है वेन और एक होती है आर्टरी। ठीक है, पाइप होते हैं दो टाइप के, एक होता है वेन और एक होती है आर्टरी। ठीक है, एक होता है वेन, एक होती है आर्टरी। अब आर्टरी क्या करती है और वेन क्या करती है ये समझ लो एक बार और। ठीक है, आर्टरी वेन क्या करती है समझ लो आप इसको। ये हो गया आपका हार्ट, ये आपका दिल है, ये आपकी पूरी बॉडी है। बॉडी में क्या क्या आ गया आपका, जैसे मतलब हाथ आ गए आपके, पैर आ गए आपके, स्किन आ गई आपकी। ठीक है, ये पूरी पूरी बॉडी समझ लो इसको तो। ठीक है, ईयर आ गए आपके। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, ईयर आ गए आपके, नोज आ गए आपके, टंग आ गई आपकी अंदर का। वन डाउट बेटा, क्या डाउट है बताओ? बोलो जल्दी। ठीक है, ये पूरे ये पार्ट हो गए, इसको हम एक बॉडी मान रहे हैं। ठीक है, अब इनको चाहिए ब्लड, इसको ब्लड कौन देगा? हार्ट। ब्लड कौन देगा? हार्ट। ठीक है, अब इसके पास जो ब्लड आए अपने पास रखेगा तो है नहीं, ब्लड को ये वापस कर देगा लौटा के, इस ब्लड को वापस कर देगा। ठीक है, जो अब क्यों आता है ब्लड? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो इसकी पूर्ति होती है ब्लड से। ठीक है, इसकी पूर्ति होती है बेटा, 6:30 बजे क्लास होगी। ठीक है, इसकी पूर्ति होती है ब्लड से। ठीक है, अब जो जो हार्ट से बॉडी के अंदर ब्लड लेके आया वो है आर्टरी। वो क्या है? आर्टरी। और जो इसका काम हो गया मतलब इसको ग्लूकोज मिल गया, इसको मिनरल्स मिल गए, इसको विटामिन जो कुछ मिल गया, फिर इसके बाद ब्लड इसने वापस हार्ट में भेज दिया पंप होने के लिए। ठीक है, हार्ट में वापस भेज दिया, तो ये हो गया आपकी वेन। ठीक है, तो बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड को ले जाए वो वेन है, और जो हार्ट से बॉडी की तरफ ये खून को लेके आया वो क्या है? आर्टरी है। समझ में आया आर्टरी ब्लड? 6:30 बजे क्लास होगी बेटा, 6:30 बजे क्लास होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या होता है आर्टरी और क्या होता है वेन? ठीक है, क्या होता है आर्टरी? अब आर्टरी वेन के बारे में थोड़ी और बात है। ठीक सर, इससे रिलेटेड नहीं है मेरे डाउट, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लास में एक दिन पूछ लेना मुझसे। ठीक है, क्लास में एक दिन मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या अपने टीचर से पूछना, वो बता देंगे आपको। ठीक है बेटा, चलो अब आर्टरी और उससे संबंधित बात करते हैं हम। अब जो वेन है, वेन वेन वो है जो हार्ट से ब्लड को, जो पूरे बॉडी से ब्लड को समेट के लाती है हार्ट में। ठीक है, वो वेन है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि जो समेट के लाएगी वो ब्लड कैसा होगा? प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? बताओ, वो प्योर ब्लड होगा कि इम्प्योर होगा? बताओ, इम्प्योर होगा कि मतलब प्योर होगा? वो होगा इम्प्योर ब्लड। क्यों होगा इम्प्योर? क्योंकि जो पहले जो ब्लड हार्ट से जो जो मतलब ब्लड गया उस ब्लड में ऑक्सीजन थी। ठीक है, ऑक्सीजन को सेलों को दे दी, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड उसने उठा ली और वो फिर किसके पास लेके आ गया? हार्ट के पास में। ठीक है, तो ब्लड कैसा होगा? इम्प्योर होगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो वेन में जो जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है उसमें, क्योंकि तो वो पूरी पूरी मतलब बॉडी से आ रहा है, तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है ब्लड में। ठीक है, वो ब्लड होता है इम्प्योर, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है उस ब्लड में। ठीक है, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। ठीक है, तो वो ब्लड कैसा हो गया? इम्प्योर ब्लड हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। ठीक है, अब ये बात अपन बाद में पढ़ेंगे, ये पल्मोनरी वेन वगैरह बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बाद में पढ़ेंगे इसको अपन। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टरी की।
तो आर्टरी में होता है प्योर ब्लड, आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, ब्लड प्योर होता है और उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो जहां प्योरिटी और इम्प्योरिटी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स होने से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसमें ऑक्सीजन तो प्योर है, और उसमें ऑक्सीजन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इम्प्योर है, ठीक है। तो वेन में होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसलिए वो इम्प्योर है, और आर्टरी में होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसलिए वो प्योर है। समझ में आया आपको? प्योर और इम्प्योर, अगर ऑक्सीजन है तो प्योर है, ऑक्सीजन नहीं है तो इम्प्योर, एक ही चीज याद कर लो आप, ऑक्सीजन है तो प्योर है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्योर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्योर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ऑक्सीजन है तो प्योर है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्योर नहीं है, ओके। चलो अब आगे की बातें करते हैं। तो क्या बात समझ में आई? दो तीन बातें हमको समझ में आई, दो तीन बात जो समझ में आई। उसमें पहली बात यह है कि भैया हार्ट अकेला नहीं होता, उसमें चार चैम्बर होते हैं, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात जो हमें समझ में आई, वो चारों चैम्बर होते हैं, उसमें एक एक बाल्ब लगे होते हैं एक दूसरे घर जाने के लिए, ठीक है। चार चैम्बर कौन कौन से होते हैं? ऑट्रियम होता है, ओरिकल मान लो, ओरिकल ओरिकल, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ओरिकल हो गया राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इनके बीच में जाने के लिए लगे होते हैं दरवाजे, दरवाजे, एक दरवाजे दो मुंह वाला है, एक दरवाजा तीन मुंह वाला है, ठीक है। एक दरवाजा दो मुंह वाला है तो उसको बोलेंगे बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, और ये तीन मुंह वाला है इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड, ठीक है। इसको बोलेंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो ये बात हमने समझी, ये बात मैंने बहुत पहले समझ ली थी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इस बात को, ठीक है। चार चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, ये चैम्बर है, ये ओरिकल है, ये भी ओरिकल है, ये नीचे वाला वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है। अब इसमें ओरिकल से वेंट्रिकल में जाने के लिए होते हैं दरवाजे, दरवाजों को बोला जाता बाल्ब, बोलते हैं हार्ट का बाल्ब खराब हो गया है उसको बोलते हैं बाल्ब, क्या बोलते हैं उसको, बाल्ब। और ओरिकल से वेंट्रिकल जाने के लिए, तो राइट वाले में तीन दांतों वाला बाल्ब होता है, इसे ट्राइड कस्पिड बोलेंगे इसको। ये होगा तीन दांतों वाला, कौन सा होगा ये, तीन दांतों वाला, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड, तीन दांतों वाला बाल्ब होता है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, और दो दांतों वाला जो बाल होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रोल, मिट्रोल छोड़ दो, बाइकस्पिड समझ लो आप, ठीक है। उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व, बाय, ये होता है लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट ओरिकल, और राइट साइड में ट्राई हो गया और लेफ्ट साइड में बाई हो गया। तुमने ये वाली बात समझी, ठीक है, हमने ये वाली बात समझी हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट के लिए ये कॉमन बात थी हमें, ठीक है, ओरिकल समझ गए हम वेंट्रिकल समझ गए, हम बाल समझ गए, ठीक है, तीन चीज हम समझ गए। अब हम समझेंगे कि भाई आर्टरी और वेन क्या होती है, आर्टरी और वेन क्या होती है। तो भैया आर्टरी वेन को समझने के लिए पहले बॉडी और हार्ट का पिक्चर बनाओ दिमाग में, एक मोटर, एक मोटर, एक टंकी, ठीक है, एक मोटर एक टंकी, या दो टंकी मान लो आप, एक टंकी ए टंकी बी, ठीक है, एक टंकी ए और ये टंकी बी, ठीक है, ये टंकी ए है तुम्हारा हार्ट, छोटी टंकी है हार्ट, और टंकी बी है तुम्हारी बॉडी, टंकी बी कौन सी है तुम्हारी बॉडी। अब पाइप, एक पाइप जो टंकी ए से पानी लेके जा रहा है टंकी बी में, ठीक है, टंकी ए से पानी लेके जा रहा है टंकी बी में, तो इस पाइप को बोलेंगे हम आर्टरी, क्या बोलेंगे इसको, आर्टरी, क्या बोलेंगे इसको, आर्टरी। और बी टंकी, अब पानी आ गया ओवरफ्लो होगा तो टंकी फिर से ए में भेज दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बैन,
बहन नहीं बोलेंगे, बैन बोलेंगे, ठीक है, बैन। क्या बताना है बेटा, एक बार और बता दो प्लीज, क्या बताना है एक बार और? ठीक है, तो ये टंकी ए से टंकी बी आर्टरी हो गई, और टंकी बी से लौट के टंकी ए में आना बैन हो गई, ठीक है। अब बैन में होता है इम्प्योर ब्लड, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इम्प्योर ब्लड होता है, और आर्टरी में प्योर प्योर फ्रेश फ्रेश ब्लड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन फ्रेश होती है, प्योर होती है, इसलिए ऑक्सीजन होती है, तो प्योर ब्लड हो गया। बैन बताना है आपको, है ना, एक बार और बताना है बैन, ठीक है, फिर से सुनो। चलो कोई बात नहीं, एक बार नहीं 50 बार बताएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे, 50 बार बताएंगे, 60 बार, 70 बार, 80 बार, लेकिन आपको बताएंगे। सुनो, बेन क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, सुनना चाहते हैं तुम? चलो सुनो, बेन ये तुम्हारा हार्ट है, ये मतलब टंकी ए, एक छोटी सी पानी की टंकी ए, ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, बड़ी सी पानी टंकी की बी, बॉडी बड़ी हो गई, हार्ट छोटा हो गया, ठीक है, ठीक है, बड़ी पानी की टंकी, ठीक है, बड़ी पानी की टंकी। अब पानी ले जाने के लगी है, दो ले जम है, दो ले जम, इस ले जम का एरो इस तरह, मतलब ये पानी ए से बी में डालती है, और ये एक ले जम लगी है, ये बी से ए में ले जाती है पानी को, ठीक है, एक टंकी ए जो पानी को ए से बी में ले जाती है, टंकी नहीं सॉरी ले जम ए, और एक लेजम मतलब पाइप ए जो पानी को बी से ए में ले जाता है, ठीक है, बी मतलब बॉडी, बॉडी से हार्ट में ले जाता है, तो जो हार्ट से बॉडी में लाता है उसको बोलते हैं आर्टरी, क्या बोलते हैं उसको? आर्टरी, और जो बॉडी से हार्ट में लेके जाता है उसको बोलते हैं वेन। तो यहाँ पानी नहीं है, यहाँ हो गया ब्लड, यहाँ हो गया ब्लड, ठीक है, तो ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाने वाला पाइप क्या कहलाएगा? आर्टरी, और बॉडी से हार्ट में वापस ले जाने वाला क्या कहलाएगा? बैन, ठीक है, वापस ले जाने वाला क्या कहलाएगा? बैन, वो कहलाएगा बैन, ठीक है। तो बैन में जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आर्टरी में जो ब्लड होता है प्योर होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं CO2, तो गड़बड़ हो गई ब्रो, कहाँ चला गया ये? हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं O2, इसको बोलते हैं CO2, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, और इसको बोलते हैं O2। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? दो बातें मैंने आपको बताई, एक तो आर्ट के बारे में बताया, दूसरा मैंने आर्टरी और वेन के बारे में बताया, ठीक है, आर्टरी और वेन के बारे में बताया, किस किस को समझ में आया? समझ में आया ना, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही समझना है तो इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है, समझ में आपको आता रहेगा। अगर आपको इसके साथ में समझ में आते आते आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, इस बार प्राइम क्लास ने एकदम से बम्पर सिलेक्शन दिए हैं, शायद आपको नहीं पता हो तो, प्राइम क्लास ने बम्पर सिलेक्शन दिए, बम्पर, ठीक है, करीब करीब 12th रैंक आई है, अभिजीत भैया एक हैं, अभिजीत गुर्जर, उनकी 12th रैंक आई है, एक अंश करवार है, उसकी भी रैंक कुछ अच्छी है, कितनी रैंक है भाई टेक्निकल टीम वाले? 47, 45, 59 रैंक है उनकी, 59 रैंक है, और ये रैंक ऑल इंडिया में है भाई, ये एमपी में रैंक नहीं है, पूरे भारत में, पूरे भारत में 28 राज्य हैं और कितनी 8 यूनियन टेरिटरी है, इन सब में प्राइम क्लास है, इसका बच्चा 12वें नंबर पे आ रहा है, एक 9th क्लास में, एक बच्चा 59 नंबर पे आ रहा है, पिछली बार सूर्या तोमर पूरे एमपी में 3rd रैंक नंबर पे आ रहा था, अभी एमपीवाई लिस्ट आई नहीं है, हो सकता है कि अपन एमपी में फर्स्ट या सेकेंड हो, ठीक है,
तो बड़े बम्पर सेक्शन अपने यहां से आ रहे हैं, ठीक है। बच्चों को याद भी 59 देखो, ठीक है। तो प्राइम क्लास से भरोसा करो, उसके नोट्स से भरोसा करो, और सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे करो। पहला भरोसा खुद पे करो, भरोसा ये करो कि यस आई कैन डू दिस, ठीक है। मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, घर पे 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, कोचिंग में मन लगा के पढ़ूंगा। टेस्ट में जो मेरे नंबर आएंगे वो 250 से नीचे कभी नहीं आएंगे, अगर मैं जूनियर में हो तो। और अगर मैं सीनियर में हूं तो मेरे नंबर 350 से कम नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक्स सर, आपकी वजह से अगली बार मेरा भी होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा अगली बार, ठीक है। बस शर्त ये है कि चांसेस होना है तो जाग जाओ, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक चीज पूछो, समझ में नहीं आ रही बार बार पूछो, आपको एक बार नहीं 10 बार हम लोग बताएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन कराना ही हम लोगों का एम है, ठीक है। चलो 6:30 बजे हम मिलते हैं, 6:30 पे मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है, डायरेक्टर सर क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।